तरह से बहुत से बाबाएँ यहाँ हिंदुस्तान में चले हैं, उनका हश्र क्या हुआ है, आप हम सबको देखे हैं। हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत में सिर्फ हिंदू की बात नहीं चलेगी। मेरे समझ से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के रहने वाले लोग हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री केवल हिंदू की बात करते हैं, जो ऐसा नहीं चलेगा। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग मानने वाले यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर अगर कोई हिंदू कहे तो हिंदू हिंदू नहीं चलेगा। उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़वाना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आप भी सुने। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। भारत में न एक धर्म चलेगा, न एक संस्कृति चलेगी, न एक भाषा चलेगी। यहाँ अनेकों भाषा का संगम है, अनेकों संस्कृति का संगम है, अनेकों धर्म का संगम है। सबका सामंजस्य मिल कर करके अनेकता में एकता यहाँ के संविधान की विशेषता है, और उसी रूप में हिंदुस्तान चलेगा। कोई एक धर्म के बारे में अगर वो सोचता है तो हम समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के संस्कृति के साथ और हिंदुस्तान के जो अस्मिता है उसके वो खिलाफ बात करता है। हम लोग कोई धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्म निरपेक्ष है हिंदुस्तान का संविधान, और वही धर्म निरपेक्षता की बात हम लोग करते हैं। कुछ लोग अपना जो मन है वो करते हैं, किसी को अपना भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उसके आधार पर वो करते हैं, और अंतर्गतवा इसका फैसला जनता करेगी यहाँ का कि जनता क्या चाहती। ना वो दुकान चला रहे हैं, इस तरह से बहुत से बाबाएँ यहाँ हिंदुस्तान में चले हैं, उनका हश्र क्या हुआ है, आप हम सबको देखे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि भाई बिहार की जनता आस्था में विश्वास करती है, उनको निकलाया गया सब विभाग तो एक आस्था के रूप में वहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छी बात बोलें, बिहार को लोगों को फ़ायदा हो, स्वागत की बात है। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत में सिर्फ हिंदू की बात नहीं चलेगी। मेरे समझ से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के रहने वाले लोग हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।